जी महाराज की जय। हम की जय। श्री माता जी की जय। यारिका संग की जय। आज हम आप सभी के समक्ष विषय को प्रस्तुत करते रायण साहब में आचिर्वन कुंदकुंद स्वामी ने सागर और अनगार धर्मामृत का वर्णन किया। सागर धर्मामृत कहें या श्राव का चार कहें या श्रावक चर्या कहें और अनगार धर्मामृत जिसे हम मुनिचर्या कहें या मूलाचार कहें, ये पर्यायवाची नाम है। इसलिए आचिर्वन कुंदकुंद देवम रायण सार में कहते हैं एक गाथा श्रावक का चार की लेते हैं तो श्रावक को शिक्षा देते हैं, तो कहीं कहीं बीच में अनगार धर्मामृत को लेते हैं। अनगार धर्मामृत को लेते हैं तो मुनिचर्या का वर्णन करते हैं, मूलाचार का वर्णन करते हैं। यदि मुनि हो, साधु हो, साध्वी हो तो मूलाचार के अनुसार जियो, उसी में आपकी श्रेष्ठता है, उसी में आपका मूल्य है। यदि आप मुनि होकर के, साधु होकर के, साध्वी होकर के यदि मूलाचार से विपरीत जी रहे हैं या विपरीत आचरण कर रहे हैं तो आप अभी मुनि नहीं हो। मात्र फॉर्मेलिटी के लिए सब कुछ है, आप तो कुछ और ही हो। उसके लिए आचार्य भवन युगेंद्र देव ने पाखंडी कहा है, परमात्म प्रकाश में जो मुनि जो साधु जो साध्वी अपने मूलाचार का पालन नहीं कर रहे उसे युगेंद्र देव परमात्म प्रकाश में पाखंडी कह रहे हैं। वह ढोंगी है, वह पाखंडी है जो अपने आचरण से विहीन है। तो बीच में श्राव का चार का वर्णन किया गया है, तो श्राव का चार में आचिर्वन कह रहे हैं यदि देशव्रति हो, सम्यक दृष्टि हो, ग्रस्त श्रावक हो अर्थात सागार हो तो आप श्राव का चार के अनुसार जीवन जिए। श्रावक के कर्तव्य सट है तो मुनियों के कर्तव्य विच है, पर विपरीत अलग अलग है, एक से नहीं हो सकते। अब बीच में आता है तो हम श्रावक हैं, माना कि मैं श्रावक हूं। यदि मैं श्रावक हूं तो क्या मैं मुनिराज के बीच में बोल सकता हूं? नहीं। यदि बोलूंगा तो क्या होगा? हंसी का पात्र बनूंगा, निंदा का पात्र बनूंगा, अपयश का पात्र बनूंगा बराबर, और लोक निंदा का पात्र बनूंगा। यदि कोई श्रावक मुनिराज के बीच में बोले बराबर, और यदि कोई मुनिराज का ध्यान ना रखे, श्रावक से उस बात को कहलवाए, तो इसमें सबसे पहला तो एक कारण आचार्य भुवन ने अभी तक हमने रायण सार के एक नंबर के करका से लेके समथिंग 120 करकाएं मेरी हो चुकी है। अभी तक जितना मैंने पढ़ा है उसी विषय को प्रस्तुत करूंगी। उसमें आचार्य और कुंदकुंद स्वामी कह रहे हैं
अनगार हो करके अनगार की निंदा तो नहीं कर रहे, आप महाव्रती हो करके महाव्रती का अपयश तो नहीं गा रहे, क्योंकि यहाँ पर कुंद कुंद स्वामी की दृष्टि देखें यदि हम तत्त्वार सूत्र में, तो आप कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं परात्म निंदा प्रसंग से सद सद गुणो छादनोद भावे नीचे ही पुत्र से पर की निंदा अपनी प्रसंग से। देखो जब हम चाहे दूसरे की प्रशंसा करें तो अपनी निंदा होगी, और हम दूसरे की निंदा नहीं कर रहे, चाहे कोई सफाई पेश की जाए चाहे कोई सत्य बतलाया जाए, वह सत्वी सत्य नहीं है। जिस दिन हमारे गुरुवर ने हमें महाव्रत दिए थे उस दिन कहा था वह सत्य सत्य नहीं है जिस सत्य से किसी को ठेस पहुंचे, वह सत्य सत्य नहीं है जिससे किसी के प्राण चले जाएं, और वह सत्य भी सत्य नहीं है जिससे कोई डिप्रेशन में आ जाए। अब क्या करूं, आप भी महाव्रती हो, आप भी महाव्रती हो। जब पूज्य गुरुवर से इस बात में मैंने एक बार चर्चा की तो पूज्य गुरुवर ऐसा कोई प्रसंग आ जाए यह भी सत्य है यह भी सत्य है, दोनों सत्य नहीं है, सत्ता संग है, ना सत्य है ना असत्य है, यह भी सत्य है यह भी सत्य, यह भी असत्य और यह भी असत्य है, कुछ भी सत्य नहीं है और कुछ भी असत्य नहीं है, जो है माध्यस्थ रहो। हम क्या निर्णय करें, मैं कोई केवल ज्ञानी तो हूँ नहीं, कोई चीज का निर्णय करूँ, यदि कोई निर्णय देंगे एक के लिए अच्छे होंगे तो दूसरे के लिए बुरे होंगे, इसलिए निर्णय आपको केवल ज्ञानी देंगे। हमारे पूज्य गुरु के पास बहुत सारे निर्णय होते हैं पर गुरु जी क्या कहते हैं, हम कोई निर्णय करने में इस सब निर्णय करने में असमर्थ, मैं समर्थ नहीं, तो मैं भी उन्हीं पूज्य गुरुवर की शिष्या हूँ, तो जो गुरुवर ने मुझे पढ़ाया है जो कुछ दिया है, तो यदि कोई मुझसे कोई निर्णय पूछे तो मैं उन निर्णय करने में असमर्थ हूँ, आज भी मुझ में वह साहस नहीं। तो हम कहीं कोई सफाई दें कोई अच्छी चीज बतलाएं तो वो मुझे मन नहीं, क्योंकि है तो वो राग द्वेष की है, तो राग द्वेष ऐसा नहीं तो ऐसा है, तो हमने ऐसा कहा तो उससे द्वेष तो हुआ, कहीं ना कहीं तो होगा, तो इसमें हम करें तो क्या करें, करें तो क्या करें, यहाँ किसी को सजा नहीं दी जाती, यहाँ सबसे बड़ी सजा यही है। उच्च गुरुवर कहते हैं सबसे बड़ी सजा यही है, सबसे बड़ा प्रायश्चित यह है कि आप द्वारा से वह गलती ना करें, जो भी बोलें इतना सोच समझ करके बोलें कि वह गलती ना हो, क्योंकि गुरुवर एक शब्द कहते हैं ऐसा बोलो कि कोई ना कहे चुप हो, और ऐसा बैठो कि कोई ये ना कह दे यहां से उठो, यहां बैठे हो ना कक्ष में आए इतने अनुशासन में बैठिए कि कभी भगाना ना पड़े उठाना ना पड़े, और कभी ये ना कहना पड़े कि मौन हो जाइए शांत हो जाइए गिव साइलेंस। क्यों, जब हम मुझे एक बात याद है जब दीक्षा होती तो क्यों कहा जाता मौन रहिए, क्योंकि संस्कार नहीं है, अभी हम कहते हैं हम अज्ञानी हैं, जब स्वीकार है तो बोलना बोलना किस लिए, लिखा ज्ञान से शास्त्र में तक बोलना है, वो तो वही बात हो गई, हम कह रहे हैं हम अज्ञानी हैं,
बहुत अज्ञानी है, फिर लिखा किस शास्त्र में वो बोलना चाहिए? यदि अज्ञानी है तो फिर सफाई पेश नहीं होती। यदि मैंने स्वीकार किया मैं अज्ञानी हूँ तो मुझे कोई सफाई देने की बात नहीं, ये तो सफेद झूठ हो जाएगा। फिर वचन स्ववचन वादित हो जाएंगे। यदि न्याय में जाएंगे तो स्ववचन वादित हो रहे, हम यहाँ स्वीकार कर रहे हैं और हम अज्ञानी स्वरूप हो, हम अज्ञानता बस गलती हो गई यहाँ, और यहाँ हमने कुछ सोचा ही नहीं। एक साथ दो दो वचन कैसे? तो क्या होता, कभी कभी हम बोल करके स्वयं फंसते। इसलिए हमें यही बात पता है, पूज्य गुरुवर ने कही, बोलो मत, वही बोलो जो परफेक्ट। क्योंकि एक बार बात आई प्रवचन करने की, प्रवचन करने की बात आई तो पूज्य गुरुवर ने सबसे पहले जब कहा तो यही बोला था, बोलना हुआ है जिससे कि ना लोग ना किसी की बुराई ना करने लगे, कहीं प्रवचन में ऐसी चीज ना भूल जाए जिससे कि लोग पूछने आ जाए। लेकिन कैसे जाने? तो उन्होंने कहा कि जब हम आपस में चर्चा करते हैं तो वह चर्चा ऐसी होना चाहिए उसमें भी ना हम फंस जाए, तब तो आप जाकर के वहां प्रवचन में वह बोल पाओगे। जब हम आपस में यही फंस जाते हैं तो प्रवचन में तो फंसेंगे ही फंसेंगे, फिर उसमें बचा नहीं पाएंगे लोग। तो हमारे गुरुवर ने ये चीज अच्छी कही थी, लेकिन जो जितना पालन कर सबको कहा, जो मुझे कहा वही इन सबको कहा, जो मुझे दिया वो इनको भी दिया, जो संस्कार मेरे ऊपर हुए वही इनके ऊपर हुए। यही भी महाव्रती है, मैं भी महाव्रती हूँ, और आने वाले जितने भी पिछेदारी होंगे, जो भी आरिका माता जी बनेंगे, मुनिराज बनेंगे, सभी महाव्रती बनेंगे। तो सबके एक से महाव्रत होंगे, सबकी एक सी चर्या होगी, सबका एक सा आचरण होगा, देने वाले श्रावक एक से होंगे, पानी पीने वाले वही पानी पिएंगे जो मैं पीऊंगी, आहार वही करेंगे जो आप दोगे, सबका एक सा आहार होगा, कोई विपरीतता ज्ञान में कोई विपरीतता नहीं। बस अब हमारे सोचने में अलग अलग, क्योंकि माइंड हमारा स्वयं का है, सोच हमारी है, किसी की साइकोलॉजी को हम चेंज नहीं कर सकते। इसके लिए हम सोचें कि अज्ञान को दूर करने की कोई पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता है, तो अज्ञान पुस्तकों से दूर नहीं होता है, और पुस्तक में ज्ञान होता नहीं है, और पुस्तक से ज्ञान आता नहीं है, और गुरु ज्ञान देते नहीं है, और गुरु से ज्ञान आता नहीं है, जब तक कि हम स्वयं सोचे ना, स्वयं चिंतन ना करें, स्वयं आचरण ना करें, स्वयं विनय ना करें, तब तक कुछ आने वाला नहीं है। ये तो वो वाली बात हो जाएगी, टीचर ने सबको एक साथ पढ़ाया, आप भी स्कूल में पढ़े मैं भी पढ़े, ये भी स्कूल में पढ़े ये भी कॉलेज में पढ़े, सबने पढ़ाई की ना, और कुछ पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं हम जाते हैं। अब क्या हुआ, टीचर ने क्या किया, भेदभाव किया, अंबर को तो अच्छा पढ़ाया, हमारे गुरुजी ने भेदभाव किया, हमें तो अच्छा पढ़ाया बाकी सबको कुछ नहीं किया, नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ भेदभाव नहीं हुआ। कुआ के पास तो सब गए थे पानी लेने, कुएं के पास तो सब गए थे, लेकिन हमारी प्यास बुझ गई इनकी नहीं बुझी, आपकी बुझ गई इनकी नहीं बुझी। कारण क्या, जिसने पानी पिया होगा उसी की प्यास बुझेगी, जिसने पानी पिया ही नहीं उसकी प्यास कैसे बुझेगी, और किसी ने खींचा ही नहीं, निकाला ही नहीं, जिसने बाल्टी डाली थी कुएं में तो वह पानी लाया, स्वयं की बुझा ली और दूसरे की भी बुझा दी। तो हमारे गुरुजी के लिए जो उनके गुरुवर ने ज्ञान दिया, उनने अपने चिंतन के द्वारा, उन्होंने और उनके ज्ञान के द्वारा ज्ञान को हटाया, उसे ग्रहण किया,
उतर रहा, उसके बाद उनने हमें दिया और उसमें से हमने जितना भी ग्रहण किया, दिया तो उनने बहुत है, बहुत दिया, लेकिन हम इतने प्रमादी, भ्रष्ट संस्कारी, अज्ञानी कि हमने उनका इतना ही ग्रहण किया। ये हमारी कमी है, ना कि हमारे गुरुवर की कमी है। उनने तो बहुत दिया पर हमने ग्रहण नहीं किया। जितना हम में सामर्थ्य थी, जितनी हम में विनय थी, उतना ही ज्ञान हम में आया। जितनी नहीं थी तो उतना मुझ में नहीं आया, और उसमें से हम आपको उतना ही दे सकते जितना मेरे पास होगा। हम सोचे कि हम बहुत कुछ दे दें तो नहीं दे पाएंगे। अब हम करें क्या? अब हमें इतने ही है तो हम क्या करें? रोने बैठ जाएं? क्या करें? हमारे गुरुजी ने हमें ज्ञान नहीं दिया, हमारे गुरुजी ने हमारे साथ भेदभाव किया, तो क्या करना चाहिए? अब रोना चाहिए? टीचर ने पढ़ाया तो बराबर, बच्चे ने क्या किया? सारे स्टूडेंट पढ़ रहे, कुछ बच्चों ने अपना ध्यान एकाग्र करके और स्कूल के टीचर की बात को भी सुना और उसके बाद उनकी बात को भी माना। क्यों अमर? टीचर की सुनी, टीचर की बात को माना। इसके बाद अब टीचर ने क्या किया? अंबर को खड़ा कर दिया और बाकी सबको बैठा लेने, अंबर को पनिशमेंट दी, खड़े हो जाओ। और अंबर क्लास में 2 घंटे तक खड़ा है बराबर, और एक से कुछ नहीं कहा टीचर ने। अब बताओ तो क्या करना चाहिए? सर आपकी ये बात गलत है, आपने मुझे खड़ा क्यों किया? आपने मुझे खड़ा क्यों किया? अब अंबर को क्या करना चाहिए? 2 चार्टर टीचर को लगाना चाहिए या फिर टीचर की शिकायत प्रिंसिपल सर से करना चाहिए? वहाँ नहीं हो तो गवर्नमेंट क्या करना चाहिए? लेटर आना चाहिए, फिर पुलिस स्टेशन जाना चाहिए, यही होना चाहिए, क्या होना चाहिए? लेकिन अभी तक किसी भी स्टूडेंट ने ऐसा पर हम आज क्या है, हम स्टूडेंट बनना ही नहीं चाहते। हम तो एक ना, हम सीनियर है तो हम सीनियर स्टूडेंट हैं, बाकी जूनियर रहेंगे। हम अपने आप को स्टूडेंट बनना ही नहीं चाहते। जब तक स्टूडेंट नहीं बनेंगे, जब तक कोई स्टूडेंट नहीं बनेगा तो टीचर बनेगा कैसे? जब अनुशासित टीचर नहीं होगा तो प्रिंसिपल कैसे बनेगा? ये सत्य है। जो कल का स्टूडेंट था आज का वही तो टीचर है, जो कल का अच्छा टीचर था आज वही प्रिंसिपल है, वही प्रोफेसर है। कारण क्या है? इसलिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनमें हमें मौन रखना चाहिए। तो कोई कहे कि वह तो हमारा पक्ष लेते ही नहीं, उन्होंने का पक्ष लेते, मुझे पक्ष लेने से मिलता क्या? मेरी आत्मा की हानि। मैं यदि किसी का पक्ष लूं, मेरी स्वयं की हानि। एक तो मेरा टाइम वेस्ट, मैंने ये जिन दीक्षा, जैनेश्वरी दीक्षा किस लिए ली थी? आत्मा के कल्याण के लिए। तो हम अपनी आत्मा से दो पर कल्याण की सोच रहे, ये प्रवचन पर कल्याण हो रहा, ये समझाना पर कल्याण, पर हम जब जब अपनी आत्मा से दूर हुआ करते हैं तब तब हमें पर की चिंता हुआ करती है। इसलिए लोग कहते हैं आपको अकेला अच्छा लगता, मुझे बहुत अच्छा, क्योंकि आगे चल के मुझे अकेला ही तो रहना, आगे चल करके मुझे अकेला ही तो रहना है। आप सब बने भी रहोगे फिर भी मुझे अपने में रहना सीखना है, क्योंकि आप सब जब बैठते हो तो या तो कोई चर्चा में लग जाते हो, कोई बातचीत करते हो, या तो अच्छी होगी तो वो मेरे कल्याण की हो सकता। जब मैं धर्म से परान्मुख हो जाऊं, विचलित हो जाऊं, तब यदि आप स्वाध्याय की बात करें, धर्म की बात करें, तो आप मुझे 100 में स्थिर करते, इसलिए आप मुझे अच्छे लगते। जिस समय हम
धर्म के अभिमुख हो, आत्मा के अभिमुख स्वानुमुख हो, उस समय यदि आप मुझे परांगमुख करते हैं, पर की ओर आकर्षित करते हैं, पर द्रव्यों की ओर ले जाते हैं, तब मुझे बहुत दुख होता है, तब मुझे बहुत गुस्सा आता है। क्या यह जिंदगी है? इस जिंदगी से अच्छा तो, इससे अच्छे तो हम घर में थे, यदि वही करना था तो। मुझे वो फीलिंग आने लगी। इसलिए यदि आप मुझे धर्म में स्थिर करें, तब तो मैं आपको अपना बहुत बड़ी उपकारी मानूं कि आप बहुत बड़े उपकारी हैं। कम से कम आपने मुझे धर्म में स्थिर तो किया। मुझे वह लोग अच्छे नहीं लगते हैं, पूछते हैं सब लोग कई यही बात है जी, हम तो अच्छे लगते ही नहीं लगते मुझे नहीं अच्छे लगते। मुझे तभी अच्छे लगते हो जब आप धर्म की बात करते हो। कारण है क्योंकि मेरा कल्याण और आपका कल्याण, मैं आपको धर्म की हो, मेरा होना तभी सफल है जब मैं आपको धर्म मार्ग में लगाए रहूं और धर्म मार्ग में लगे रहूं। मुझे ये लोग बहुत बुरे लगते हैं। कारण क्या? आप बीमार हो, वो तो क्या हुआ, वस्तुतः मैं बीमार नहीं हूं, मेरा शरीर बीमार हो सकता है, मात्र में प्रवचन में कहते हैं, मात्र प्रवचन में कहते हैं, शरीर अलग है, आत्मा तोता अलग है, पिंजरा पोपट अलग है, पिंजरा अलग है, कहते हैं एक घड़ी अलग है, घड़ी का सेल अलग है, बराबर ना, एक पंखा अलग है, पंखे में करंट अलग है, राइट? ये हम सिर्फ जानते हैं। जब हमारे ऊपर कष्ट आता है तो हम क्या करते हैं? तो हम ये समझ लेते नहीं, इस पंखे में करंट नहीं, मैं ही करंट हूं, मैं ही पंखा हूं। तो ये बाय लोग मात्र हमें भ्रमित करने वाले मिलेंगे, चाहिए अंबर हो, चाहिए भाई हो, चाहिए हो, चाहिए आराम हो, चाहे सदर जी हो, कोई भी हो, ये सिर्फ हमें भ्रमित करेंगे। मात्र यदि कोई हमें अपने धर्म में स्थिर करेगा, हमारे यदि हम विचलित होंगे तो कितना भी हमारा शत्रु हो, ये हमारे शत्रु रहे कितनी भी बड़ी, फिर भी ये हमारा हित करेंगे। जब हम बीमार हो जाएंगे, जब हमसे चला नहीं जाएगा, ये समाज काम नहीं आएगी, मात्र ही संघ काम आएगा। बाहर के बर्तन अच्छे लगते हैं, बाहर के लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि प्रशंसा मिलती है, बाहर के लोग हमें अच्छे इसलिए लगते हैं, हमें गुरुजी इसलिए अच्छे नहीं लगते हैं। मैं गुरुजी से अलग क्यों? एक बात बताऊं, गुरुजी मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्यों? क्योंकि गुरुजी के पास मुझे तखत नहीं मिलता है, आसन नहीं मिलता है, पूजा नहीं मिलती है, सम्मान नहीं मिलता है, और लोग कांगर के श्रीफल नहीं चढ़ाते, और गुरुजी के पास हमें डांट को स्वीकार करना पड़ता है, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता वहां। तो हम क्या करते गुरुजी, हम जा रहे हैं, ये कारण होते हैं। ऐसे ही मेरे कारण है जो मैं आज इतनी दूर हूं गुरुवर से। यदि ये कारण नहीं होते तो हम गुरुवर के पास, सत्य है, परम सत्य, अब करूं तो क्या करूं? तो इसका कारण है जिसके लिए आपने यह मार्ग स्वीकार किया, जिसके लिए आपने परिवार का त्याग किया। आप यूं ही नहीं आ गए, आप सोचो मैंने कुछ नहीं किया, मेरे बहुत सहजता में आ गए, तो मुझसे पूछो इसकी दुर्लभता क्या है, मैं जानती हूं। क्योंकि ना जब मैंने यहां आने के लिए कैसे कैसे
कष्टों को देखा है, कष्टों को सहन किया जब मैं यहाँ बढ़ी, क्योंकि एक तो परिवार से निकलना आसान नहीं, अब आ गए तो अब क्या कर रहे हो, अब आ गए तो अपनी चिंता करो। एक बच्चे से पूछो, भाई जॉब लग गई ना, क्या कर रहे, जॉब कर रहे हैं, अभी नहीं, अभी पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। यदि जॉब ना लगे तो क्या होना चाहिए? हमारे ये भैया बैठे हैं संतोष जी, आप जॉब करते हैं? मैं जॉब करता था, अभी बिजनेस में। अभी बिजनेस में है, आपने जॉब पाई, अब इसके लिए आपने पढ़ाई की हो, यदि आपने इतनी अच्छी पढ़ाई की, सब कुछ की, उसके बाद जॉब नहीं लगती, तो आपको आपको कैसा लगता? बहुत बुरा लग गई। उसके बाद आपने उसका महत्व समझा, आपको वह महत्व ही मालूम है कि आपके माता पिता ने आपको किस तरह से पढ़ाई कराई, आपको वह टीचर की पनिशमेंट भी याद होगी कि आपके टीचर जी आपको कितना डांटते थे, कहीं उनका ही अथक परिश्रम आपको जॉब तक ले गया। यदि आप उस अनुशासन में ना रहते तो क्या आप इसे काबिल बन पाते कि आप जॉब करते? ये सब उनकी देन रही और आपके संस्कार रहे कि आप अच्छे बिजनेसमैन हो, आपने जॉब छोड़कर कि आप बिजनेसमैन बने, ये आपकी स्वयं की योग्यता रही। तो कुछ हमारी योग्यता पर भी निर्भर करता है कि हम करना क्या चाहते हैं। तो इसके लिए मात्र मुझे एक याद होना चाहिए कि मुझे करना क्या है। मात्र हम सामायिक तो करते हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तीन सब की बातों से दूर रहे तो बहुत आएंगे मिलेंगे, आप पतले हो गए, आप पतले हो गए, भैया हो गए तो क्या हुआ, मुझे इससे कोई फर्क पड़ने वाला, मुझे तो और भी पतला होना है, अभी इतना पतला होना है जब तक कि सिद्ध ना बन जाओ, हमें कसायों से पतला होना है, उसके बीच तन पतला हो जाए तो कोई गम नहीं, पर मन पतला नहीं होना चाहिए, सोच पतली नहीं होना चाहिए, सोच मोटी होना चाहिए। होता क्या है, तन पतला हुआ, हमारी सोच पतली, हमारा मन पतला, और लोगों ने आकर के क्या कह दिया, बीमार हूँ बीमार हूँ, तो नहीं था तो भी और बीमार हो गया। इसलिए एनर्जी देने वाले हम तो स्पष्ट कहते, कल सबको मैंने मना कर दिया, सब जाओ कोई कमरे में मत रहो, क्यों? क्योंकि जो बाहर के लोग आते हैं ये मोही हैं, रागी द्वेषी हैं, इनका सहयोग पाएंगे तो एनर्जी नहीं मिलेगी, इनकी निगेटिव ऊर्जा मिलेगी। यदि हमें पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करना है तो जिनके पास पॉजिटिव एनर्जी है उनके पास बैठो, उनसे कुछ ग्रहण करो, हमें ज्ञान की दो बातें मिल जाएं तो मोटे हो जाया करते हैं, और अज्ञानी को कोई ये कहने वाला मिल जाए, काश भैया बहुत अच्छे आप पतले हो गए, तो खुशी हो जाती। अब माता जी तो कभी नहीं कहती क्या हुआ क्या हुआ, कभी नहीं कहेंगे, कहीं नहीं कहेंगे, कुछ हुआ ही नहीं, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, स्वस्थ है, प्रसन्न है, हाँ हुआ ना क्या बताऊं, ब्रह्मचारिणी से महाव्रती बन गई, महाव्रत को ग्रहण कर लिया, क्या हुआ, पहले तो इतने मोटे थे, एक साल पहले तो मोटे थे, हाँ एक साल पहले अनुप्रति भी नहीं थे, ग्रस्त थे, चेंज हुआ ना, महाव्रति बन गए, पिच्छीधारी बन गए, कमंडलधारी बन गए, चेंज हुआ ना। तो हम ऐसी चीजें लाए, क्या चेंज हुआ, और हमारे अंदर भी वो सामर्थ्य होना चाहिए, सामने वाला कुछ बोल रहा तो उसका समाधान करने की शक्ति, उसको कैसे समाधान दे, नहीं दे पा रहे, मौने जाओ, हमें अपना अध्ययन करना है, अपनी पढ़ाई करना है, जाओ, तो ये हमारे समाधान है। तो इससे हमें जिस दिन अपनी आत्मा की कल्याण की भावना हो जाएगी, अपनी चिंता होगी, उस दिन हम पद से दूर रहेंगे, हम बाजू वाला क्या कर रहा है
बाजू वाला क्या कह रहा, सामने निंदा कर रहा तो भी नहीं, कहीं हमसे ये ना हो जाए। अब जैसे एक विषय चल रहा था, एक समाधान कर दे फिर बस क्लास खत्म। एक विषय है, हमने एक विषय लिया है सम्यक दर्शन चोर कैसे करना। अभी टॉपिक चल रहा था हमारे, तो आचार्य भगवान अमृतचंद देव ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 10वीं या 11वीं नंबर की कारिका में कहा है सम्यक दर्शन चौड़ा। जो आपको मैं आप सबसे मैं पूछना चाहती हूँ, आप सबकी मेरे ऊपर श्रद्धा है कि नहीं है? बराबर है, इनकी श्रद्धा है हमारे, आपकी नहीं है, मान के चलिए, मान के चलिए। अभी एग्जांपल से चल रही बात, आप सबकी श्रद्धा है। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने कहा मैं ये कार्य नहीं करूँगी, तो आपको लगेगा कि माता जी ने कहा है तो करेंगे कि नहीं, आपको विश्वास है? विश्वास है। अब इसके लिए मुझे ये तो जरूरी नहीं कि मैं जिनवाणी के ऊपर मात रखूं, नहीं, आपकी श्रद्धा है। श्रद्धा आपकी भी होगी मान के चलिए, थी या होगी मुझे नहीं पता, एक टॉपिक से बात चल रही। अब क्या हुआ, भावुकता बस हमने कह दिया नहीं, वो कह रहे हैं वो नहीं मानेंगे, तो हमने क्या किया, सम्यक दर्शन चुराया। किसका? क्योंकि हम महाव्रती हैं, यदि किसी महाव्रती ने कह दिया कि वो कह रहे हैं ऐसा, वो ऐसा नहीं करेंगे, मान के चलिए वो कह रहे हैं ऐसा वो नहीं करेंगे, तो हमने क्या किया, आप सबका सम्यक दर्शन चुरा लिया, आपकी इनके ऊपर से श्रद्धा हटा दी। जैसे हम इन्होंने हमसे कहा हम दवाई ले लेंगे, इनने हमसे कहा माता जी हम दवाई ले लेंगे, अब हम कह दें कि वो नहीं लेंगे, वो नहीं लेंगे, आप तो मुँह में रख दे रहे वो नहीं लेंगे, तो आपने हमने क्या किया, हमने आपका सम्यक दर्शन खंडित कर दिया कि ये महाव्रतियों पे झूठ बोल रहे हैं। तो क्या किया, इनके ऊपर से श्रद्धा हटा ली, तो हमने क्या किया, हमने कुछ चोरी की तो हमने आपका सम्यक दर्शन रूपी रत्न चुराया है। हमने छोटी मोटी चोरी नहीं की, हमने क्या किया, हमें पता नहीं होता हम कितने बड़े चोर हैं, धन को चुराने वाला कमहानी करता है, वस्तु को चुरा